तो सो गाइस, आज बनाने वाले हैं अंडा करी कोको कोला। आप लोग चकित हो गए होंगे गाइस, अंडा करी कोको कोला। हाँ गाइस, तो चलिए पहले हम कढ़ाई ले लिए, इसमें हम तेल डाल देंगे अपना अनुसार जो अंडा भुंजाता है। तो हम तेल को ऐड कर दिए, अब तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। उसमें ले लिए अंडा, अब उसमें हम डालेंगे अंडा फ्राई, उसमें लाल मिर्च पाउडर, यानी थोड़ा सा रंग आने पर कलर आ जाता है लाल मिर्च पाउडर पर, थोड़ा सा ही डालिएगा। तो इसको हम फ्राई कर रहे थे, इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर दीजिए, बहुत लाजवाब बनेगा गाइस। चलिए से भून लेते हैं, फ्राई हो गया है थोड़ा सा, इसको पूरा लाल कर देना। देख सकते हैं गाइस कितना अच्छा कलर आ गया, एकदम ब्राउन हो गया अंडा। इसे हम निकाल लिए, इसमें चरपत्ता ऐड कर दिए, इसमें प्याज 2 पीस कटा हुआ प्याज, आप लोग पेस्ट भी बना सकते हैं। इसमें हरा मिर्च 2 पीस डाल दीजिए, और इसमें आपको पूरा अच्छा से नमक ऐड करके इसको आप थोड़ा सा ब्राउन कर लीजिए, प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करिएगा गाइस, ज़्यादा नहीं भूनना है। इसमें हम चुटकी भर नमक ऐड कर दिए हैं, तो चलिए इसे भूंजा गया है, देख सकते हैं। इसमें हम टमाटर का पेस्ट और अदरक इसमें डाले थे, दोनों का पेस्ट है सहित, तो इसमें हम डाल दिए टमाटर पेस्ट। पेस्ट को आप लोग काट के भी डाल सकते हैं, तो पेस्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें मसाला यानी गोलकी जीरा का और पेस्ट मसाला था इसमें, लहसुन। तो चलिए इसे हम ब्राउन, इसमें धनिया पाउडर थोड़ा सा ऐड किए हैं, इसमें हम थोड़ा सा भून लेते हैं, मसाला को सारा भून लेते हैं। तो देख सकते हैं गाइस मसाला भुंजा रहा है 2 मिनट से। इसमें शिमला मिर्च लाल पाउडर, ताकि इससे थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाता है और लाजवाब लगता है खाने में। इसमें थोड़ा सा धनिया का पत्ता, किसी जानते हैं गाइस धनिया पत्ता तो हर चीज़ में स्वाद भी ला देता है। तो इसे हम फ्राई कर लेते हैं, अच्छा से मसाला को भून लेते हैं। अब इसमें डालेंगे कोको कोला, आप लोग चक्की जरूर होइएगा कोको कोला अंडा करी तो हाँ गैस होता है। तो चलिए हम खा के ट्राई किए, इसमें हम डाल दिए कोको कोला। तो चलिए इसको पूरा बेस्ट तरी भून लेना, कोको कोला डालने के बाद बेस्ट तरी भूनना है मसाला को 2 से 3 मिनट तक। तो चलिए भून लिए, इसमें अंडा करी डाल दीजिए, जैसे नॉर्मली आप लोग अंडा करी डाल के इसको बेस्ट तरी भून लीजिए, और इसमें पानी ऐड कर दिया। आपको इस तरह से खाना पसंद है तो रोटी साथ आप खा सकते हैं, चावल साथ खाना पसंद है तो पानी आप इसमें थोड़ा सा डाल दीजिए। पानी डालने के बाद देख सकते तेल छूट दिया, इसमें हम 1 कटोरी पानी डाल दिए हैं, देख सकते हैं। आप खोलने का इंतजार है, खोल जाएगा तो बन जाएगा कोको कोला अंडा करी, बहुत लाजवाब लगेगा गैस, ना खराब लगेगा ना आपको खराब जरा भी नहीं लगेगा, कोको कोला जरा भी महक नहीं आएगा। तो चलिए बन के रेडी हो गया, इसमें थोड़ा कस्तूरी मेथी मिश्र हथेली पर लगड़ लिए दे दिए हैं, इसमें धनिया के पत्ता ऐड कर दो, ऊपर से लुक थोड़ा चेंज हो जाता है। तो देख सकते हैं गैस धनिया पत्ता ऐसा लगा गैस कॉमेंट।